उत्तराखंडी भाषा न्यास के तत्वावधान में उत्तराखंड भाषा प्रसार समिति की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ता में डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी ने कहा कि आज हम गढ़वाली कुमाऊनी के नाम पर बटे हुए हैं, हमारी पहचान उत्तराखंड से है, उत्तराखंड है, और यदि उत्तराखंडी के लिए या उत्तराखंड की प्रतिनिधि भाषा के लिए काम करें, जैसे हिंदी और अंग्रेजी अस्तित्व में आई, कई लोक भाषाओं के शब्द इसके साथ जुड़े, उसके बाद आज यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। इस प्रकार हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी या अन्य उत्तराखंड की जिन भाषाओं का साहित्य उपलब्ध है उनके समान शब्दों को संकलित कर एक विषय तैयार करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता मिली है और मैच्योर नाम से एक प्रारूप पाठ्यक्रम की 100 से अधिक प्रवासी संस्थाओं ने नौनिहालों को पढ़ाया जा रहा है। हमारी उत्तराखंड में भाषा के आधार पर रोजगार का साधन विकसित करना होगा। त्रिभाषीय फार्मूला के तहत उत्तराखंड में नौनिहालों को शिक्षा दी जा सके, जो कि इसकी परीक्षा पास करेगा उसे स्वास्थ्य सेवा में स्थान मिलेगा और भाषा के रूप में आरक्षण भी मिले। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, सरकार से मांग की गई कि सरकार, जैसे हिंदी के लिए केंद्र सरकार ने संरक्षण दिया था हिंदी को, पहले खड़ी बोली थी, उसके बाद हिंदी जो है, हिंदी तो कोई भाषा थी नहीं, पहले खड़ी बोली थी, खड़ी बोली में कई बोली जो लोक बोलियां थी उस समय की, लोक भाषाएं थी, उसके शब्दों को जोड़ा गया, एक विषय बनाया गया और उसको संरक्षण दिया केंद्र सरकार ने। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी की भाषा को, इन दोनों को उत्तराखंडी भाषा के लिए उत्तराखंड सरकार संरक्षण दे। और जैसे एक विषय हिंदी भाषा का बना, उसमें कई बोलियों के साहित्यकार थे, उसी प्रकार हम चाहते हैं उत्तराखंड में एक विषय बने जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जिस भी भाषा का साहित्य हमारी उत्तराखंडी भाषाओं में है, उसके साहित्य को उसमें जोड़ा जाए, और गढ़वाल की, ताकि हमारे गढ़वाल के जो बच्चे वो भी कुमाऊनी पढ़े और कुमाऊं के बच्चे गढ़वाली पढ़ें, तो आपस में सामंजस्य बनेगा और जो तू गढ़वाली मैं कुमाऊनी की ये हमारी एक पृष्ठभूमि बनी हुई है वो समाप्त हो।